No.
शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
बलम कृष्ण सर्वे संतु निर्भया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चि दुर्भावने हरिओं शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु वीर्यं करवाहि तेजस्विनौ आदित्यमस्तु मा विद्विषा हरिओं शान्ति 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 ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की गीता मत की सर्व दुख निवारणी गीता मैया तेरी सदा अजी अवतारी दाता भगवान कृष्ण की मालिके कुल भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की भक्तों के शहंशाह भगवान कृष्ण की गीता के लिखारी महर्षि वेदव्यास महाराज तेरी सदा जय। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है जीत अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस है जीत तुम्हारे हाथों में प्रभु है हार तुम्हारे हाथों में मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में अर्पण कर दूं है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में ए भगवन मेरे चांद सुंदर जी अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में जब जब संसार का कैदी बनू निष्काम भाव से कर्म करो हिरे अंत समय में प्राण तजू
साकार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में भगवन, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस देव, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनो। इस पूजक की एक एक रग का क्या कहने, आहा, इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। जाओ जाओ इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। ये बात बहुत अच्छे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मेरी अवगुण दोष समर्पित गो सरकार तुम्हारे हाथों में। ओ मेरे अवगुण, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। मेरी अवगुण दोष समर्पित गो सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये बात है जीत तुम्हारे भगवन, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
तुझ में बस भेद यही मैं नर हूं तू नारायण गए ये बात तुझ में बस भेद यही मैं नर हूं तुम नारायण हो मैं हूं संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में मैं हूं संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में मैं हूं संसार के हाथों में पर संसार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों प्रातः स्मरणीय भगवान कृष्ण की प्रातः वंदनीय इष्ट देव भगवान कृष्ण की श्री भगवान हुआ भक्त हर काम में तारों की चीते नफरत उसे करे मुझको मकसूद अपना ख्याल तो अर्जुन वो पा जाए मुझसे वसाल मेरा भक्त हर काम में किसी से न नफरत उसे करे मुझको मकसूद अपना ख्याल तो अर्जुन वो पा जाए मुझसे वसाल बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली उपस्थित माताओं बेटियों बुजुर्गों उपस्थित नेक विचारशील भाई भगवान जी की अपने पार दया और कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे इन दिनों इस प्रभासम की सुंदर और पान मेला में श्री गीता जी के हर अध्याय में से अत्यंत प्रिय अत्यंत कल्याणकारी एवं अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक जो हमारे गीता रहस्यकारों ने चुने गए और हमारे विचार विमर्श के लिए और जीवन में उतारने के लिए हमें बताए समझाए हैं हम लोगों ने अब तक जी पांच अध्यायों के अति प्रसिद्ध श्लोकों पर विचार किया और प्रभु से प्रार्थना भी की कि वो हमें विशेष शक्ति प्रदान करें हम इन्हीं अपने जीवन में उतार कर अपना कल्याण कर सकें लीजिए इसी उत्साह श्रद्धा सत्कार एवं आदर पूर्वक मेरे साथ बढ़िए छठे अध्याय में प्रवेश कीजिए यह है आत्म संयम योग नामी छठा अध्याय इसका अति प्रसिद्ध श्लोक माना जाता है 35वां छठे अध्याय का 35वां श्लोक संशय महाबाहो श्री भगवान वाच संशय महाबाहो मना दुर्निग्रहं चलाओ अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते
हरि ओम हरि ओम तत् सत् हरि ओम तत् सत्। अर्थात भगवान जी कहने लगे, इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर हमारे प्रभु अपने श्रीमुख से गुलफिशा हुए, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से ये वश में किया जा सकता है, इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए। कहा सुन के भगवान ने कभी दिल इंसान का पुरुषोर चंचल सही है मश्कार वैराग में ये कमाल दिला जाए काबू में कुंती केलाल। याद होगा मेरी उपस्थित देवियों माता बुजुर्गो भाइयों, अर्जुन से योग की बातें सुनने के पश्चात मन में उसके एक प्रश्न खड़ा हो गया था और वो अपने सरताज और मन के राजा जिंदगी के एकमात्र रहनुमा भगवान कृष्ण के श्री चरणों में ये बड़ी समस्या लेकर फिर खड़ा हो गया था और चरणों में फिर धड़ाम से गिर गया। प्राणनाथ, मेरे मन में एक बड़ी भारी योग का वर्णन सुनने के पश्चात शंका खड़ी हो गई है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ कहूं क्यों नहीं। अर्जुन कहकर भगवान मुस्कराए तो अर्जुन ने कहा था, ये भगवान बिल्कुल है पुरुषोर दिल, आपने योग कमाने की बात कही और योग मन से कमाया जाता है, परंतु मैं अपने भीतर में देखता हूं कि ये बिल्कुल है पुरुषोर दिल, सरकश है जिद्दी है मुंह जोर दिल। कृष्ण चंचलम ही मना कृष्ण परमाथी बलव दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्य वायु दुष्करम। भगवान आप कहती हैं योग कमाओ, पर मैं देखता हूँ ये भिकुल है पुरुषोर दिल के सरकश है जिद्दी है मुंह जोर दिल, नाकाबू में आए किसी हाल में हवा बंद होती नहीं जाल में। भगवान में देखता हूँ कि जैसे वायु को मुट्ठी में बंद करना दुश्वार है, वायु को मुट्ठी में लाना अत्यंत कठिन नहीं बल्कि असंभव है, इसलिए मैं अपने भीतर में गोता मारते हुए देख रहा हूँ मेरे इष्टदेव कि मन पर निग्रह करना मन पे काबू पाना भी बहुत कठिन है, तो फिर योग कैसे कमाया जाएगा, क्या मैं अपना अरमान लेकर के इस जहाने पानी से चला जाऊंगा। नहीं अर्जुन, भगवान मुस्कराए और उत्तर देने लगे, देवियो उपस्थित बुजुर्गो और मेरे विचारशील धार्मिक भाइयों, भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है, देखो मैं तुम्हें एक बहुत अनमोल उपाय बताता हूँ। अर्जुन ने कहा भगवान जरूर कहिए कहिए, क्या मन को वश में किया जा सकता है। हाँ हाँ अर्जुन, बड़ी आसानी से जो मैं साधन बता रहा हूँ अगर तुम इसको अपने जीवन में उतारोगे सच्चाई के साथ दृढ़ता पूर्वक तो तुम्हारा मन तुम्हारे अधीन सदा सर्वदा के लिए हो जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु कहिए, अर्जुन पुकार उठा। और यही हम सबके आंतरिक दशा है, हम भी यही चाहते हैं, हमारे अंदर भी यही बीमारी और यही बड़ी भारी अर्जुन है, हम भी भगवान के योग को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक कमा रहे हैं और इसके साथ पूरा पूरा न्याय चाहती हैं, लेकिन जब एकाग्रता में बैठती हैं अपने एकांत में जाके बैठती हैं और मन को पूर्ण रूप से अंतर्मुखी करने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा करती हैं तो यही एक जबरदस्त बाधा बन के खड़ी हो जाती है। मन एकाग्र नहीं हो पाता, मन में यकसुई नहीं आती, या यूं कहिए मन में वन पॉइंटेडनेस नहीं होती, मन इधर उधर शुतर भी मुहार की तरह भागता दौड़ता हमें हैरान परेशान कर देता है, फिर भी हम मन मार के बैठे रहती हैं, समय अपना गुजारती हैं, पर भगवान कह रहे हैं घबराओ नहीं घबराओ नहीं, जहाँ चाह वहाँ राह का नियम अनादिकाल से अटल चलता आ रहा है। तो महाराज जी ने बड़े प्रेम से इसका उत्तर दिया है, अभ्यासेन तो कौंतेय वैराग्येन चक्रियते, ये दो उपाय हमारे भगवान कह रहे हैं। कहा सुन के भगवान ने ऐ कवि दिल इंसा का पुरुषोर चंचल सही है मश्क और वैराग में ये कमाल दिला जाए काबू में कुंती के लाल। हमारे सरताज जर्मन के राजा ने सजनों
और मेरी उपस्थित माता और बेटियों, ये दो उपाय बताए, बिगड़े तिगड़े मुंह जोर बार मुखी, मन को सदा के लिए अंतर्मुखी बनाकर अभ्यास में लाने के लिए। और ना ऐसी प्रभात समय में बड़ी एकाग्रता और प्रेम पूर्वक ऐसे सुंदर वातावरण में बैठे हुए जरा विचार करें। भगवान कहते दो ही उपाय हैं मन को अंतर्मुखी करने के, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किसे कहती है प्रश्न उठता है, हमारे महापुरुषों ने बताया और हमारा ये दैनिक अनुभव भी है, किसी भी क्रिया को आप बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, हमारे महापुरुषों ने अभ्यास की परिभाषा क्या की है, किसी भी क्रिया को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक बिना उबे हुए मन से लगातार एक लंबे समय के लिए करना अभ्यास कहलाता है। फिर कह डालूं, किसी भी क्रिया को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक बिना उबे हुए मन से लगातार और वो भी एक लंबे समय के लिए करते जाना अभ्यास है। अगर ऐसा अभ्यास एक लंबे समय के लिए बड़े उत्साह और प्रेम पूर्वक किया जाए तो वो हमारा स्वभाव बन जाता है, हम अभ्यस्त हो जाती हैं, हैबिचुअल हो जाती हैं। कोई भी क्रिया आप बार बार श्रद्धा और प्रेम पूर्वक कीजिए, लेकिन देखिए महापुरुष ने क्या कहा, हो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक उबे हुए मन से आप दो दिन चार दिन अभ्यास करेंगे छोड़ देंगे, हो उसमें श्रद्धा और प्रेम, मन उब ना जाए, मन फड़प ना हो जाए, उसमें बहुत ही उत्साह हो, क्यों जो मैं अभ्यास कर रहा हूं मुझे जरूर कामयाबी मिलेगी, मेरा जरूर कल्याण होगा, जैसा मैं चाहता हूँ ये अभ्यास मुझे वैसा बना देगा, ऐसी श्रद्धा तो सजनों जरूर होनी चाहिए। ऐसी श्रद्धा अभ्यास के अंदर, चूंकि अब हम गीता जी का अभ्यास कर रही है, पढ़ने का अभ्यास कर रही है, सुनने का अभ्यास कर रही है, जाप का अभ्यास कर रही है, एकांत में बैठकर अपने मन को हजूर के श्री चरणों में लाने का अभ्यास कर रही है, नित्य प्रति सत्संग में आकर भगवान की वाणी को श्रवण करने का हम सुबह शाम अभ्यास कर रहे हैं, हाँ अपने मन में गुरु को लाने का अभ्यास कर रहे हैं, जो बारे में भगवान जी ने 16वें अध्याय में बताया है, दैवी गुणों के अंदर दैवी संपदा में जो भगवान ने कहा है उनको अपने लाने में का अभ्यास कर रही है, 12वें अध्याय में जो भक्तों के गुण भगवान ने बताए हैं और बड़े प्यार से और तपाक से कहा है, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, वो जो गुण भगवान ने बताया उनको भी लाने का अभ्यास कर रहे हैं, बहुत अच्छे। और उधर जो दूसरे अध्याय में भगवान ने कायमोल अकल या स्थित प्रज्ञ के उच्च कोटि के लक्षण बताए हैं उनको भी अपने लाने का अभ्यास कर रहे हैं, तो इतना बड़ा भारी अभ्यास और हम लगातार करेंगे, लेकिन एक बात फिर कहना चाहता हूँ, बिना उबे हुए मन से। और ये भी कभी ना कहना एक साल तो हो गया है, क्या हो गया, जन्म जन्मांतर हो गए हैं, हमारे अंदर गंदे संस्कार पड़ते पड़ते और बुराइयां करते करते, कुचाल चलते चलते, कुआचरण करते करते कितने जन्म गुजर गए, अगर एक साल दो साल तीन साल चार साल पांच साल छह साल हो भी जाए तो भी सस्ता जान, जहाँ जन्म जन्मांतरों से मन मनमानी कर रहा है, जन्म जन्मांतरों से हम स्वय इच्छाचारी या मेरी बेटियां स्वय इच्छाचारिणी हो रही हैं, तो क्या हो गया अगर पांच छह साल लग गए तो। इसलिए महापुरुषों ने पहले कह दिया है, बिना उबे हुए मन से और एक लंबे समय के लिए एक ही प्रकार की क्रिया करते जाना उसको अभ्यास कहेंगे, बार बार हम करते जाए। आखिर ऐसी तो कोई बात ही नहीं है जिसको श्रद्धा और प्रेम पूर्वक लंबे समय के लिए किया जाए और वो उसमें हम अभ्यस्त ना हो जाएं, या उसके हम आदि ना हो जाएं, या वो हमारी तबीयत हमारे आचार व्यवहार में क्या ना हो जाए एक विशेष अंग ना बन जाए, उसके हम हैबिचुअल ना जाएंगे तो हो नहीं सकता। आहा, आपने सुना होगा जरूर, महापुरुष अनुभव करके मैं बताया नहीं, करते करते अभ्यास से जड़ मति हो सुजान, अभ्यास करता रहे तो एक जड़ मूर्ख भी, एक पत्थर की तरह मूर्ख भी बहुत दना, बहुत होशियार और बहुत ही चतुर बन जाता है। कारत कारत, ध्यान देना मेरी बेटियों मेरे बच्चों बुजुर्गो, कारत 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 अभ्यास ते जड़ मति हो सुजान। कैसे दृष्टांत देते हुए महापुरुष कहते हैं, जैसे कुएं की हाँ रस्सी के जो के वो आ रही है बार बार बाल्टी को हम खींचते हैं और चरखड़ी के ऊपर बार बार आती जाती है, जो क्यों क्यों रसरी आवत जात से सिल पे होत निशान, वो चरखड़ी भी घिस जाती है, कितना मोटा लोहा होता है जिस पर रज्जू चल रही है, रज्जू आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है,
बाल्टी कुएं के अंदर ले जाती है, भर के फिर रस्सी बाहर हम खींचती है, रस्सी को बाल्टी को बाहर लाती है। दिन में पता नहीं कितनी बार वो रज्जू कुएं में बाल्टी को ले जाती है, भर 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 के उसे बाहर निकालती है। कितनी बार आती है माताएं बच्चियां और भाई और पानी भर भर के ले जाती है, तो महापुरुष कहते देखो देखो इतना भारी मोटा लोहा भी रस्सी के बार बार अभ्यास करने से घिस गया। अगर इतना मोटा लोहा घिस सकता है और हम श्रद्धा प्रेम से अभ्यास करते रहे, क्या हमारा मन घिसेगा नहीं? और बहुत अच्छी, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते, देखो 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 सिल पे होत निशान। ये तो स्कूलों में जाते हुए मास्टर जी ने हमें पढ़ाया भी था, पर अब पक्का करने के दिन, उन दिनों पढ़ा था गड़ा नहीं था, अब गड़ने के दिन आ गए हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर इंसान बार बार अभ्यास करता रहे तो उसमें सिद्धस्थ हो जाता है। मश्क इंसान को कामिल बना देती है। आज से हजारों साल पहले भी ये सत्य था, अब भी सत्य है, और हजारों वर्ष बाद भी ये सिद्धांत सत्य रहेगा कि मश्क इंसान को कामिल बनाती है। अभ्यास से कोई भी कोना हो वो सिद्धस्थ हो जाता है या परफेक्ट हो जाता है। याद रखना ये विचार महापुरुषों के, प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट, प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट। आज हमारे सरताज और मन के राजा हमें अपने चरणों का अटूट दास बनाने के लिए ये तरीका बता रहे हैं कि किए जा किए जा किए जा, अरे प्रैक्टिस किए जा, भगवान के नाम पे हम करते जाएंगे, बड़े उत्साह से करते जाएंगे। क्या शुक्र है मालिक के नाम पे अब करने का हमें सु अवसर मिला, जिसको मैं स्वर्ण अवसर नहीं कह सकता, मोतियों से भी ज्यादा ये अमूल्य अवसर हमें मिला है, अनमोल अवसर है, मोतियों से भी कहीं ज्यादा। अब हम इसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे, जरूर अभ्यास करते रहेंगे। अभ्यास है क्या? सबसे पहला अभ्यास है सत्संग में आने का अभ्यास। नंबर दो पे अभ्यास माना जाता है प्रातः काल उठकर स्नान करके पवित्र होकर महाराज जी के श्री चरणों में हाजिरी देने के लिए अपने मन को एकाग्र करना, उनके रूप का ध्यान करके हर रोज हर रोज हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में ओ अर्ली डिवाइन आवर्स में बैठ जाना और भगवान का ध्यान धरना। ओह इसे हम कहते हैं क्या? ध्यान और समाधि का अभ्यास, एकाग्रता और ध्यान का अभ्यास। ये भी तो अभ्यास हो गया। उसके बाद महाराज जी के महामंत्र का सारा दिन अभ्यास करते रहना है, महामंत्र का अभ्यास सारा दिन करते रहना है। मैं क्या कहता जा रहा हूँ? सत्संग में आने का अभ्यास, ये भी अभ्यास। नंबर दो क्या अभ्यास? प्रातः काल भगवान के श्री चरणों में बैठकर उनके ध्यान का अभ्यास, बहुत अच्छे। नंबर तीन भगवान के महामंत्र का अभ्यास। नंबर चार भगवान के उच्च कोटि के अद्वितीय अत्यंत कल्याणकारी में मधुर वाणी का, श्री गीता जी के पाठ का अभ्यास, जैसे आप कर रहे हैं और भगवान करे भविष्य में करते रहेंगे। उसके बाद महापुरुष कहते हैं आत्म निरीक्षण का अभ्यास, अपने आप को देखना, यानी इंट्रोस्पेक्शन करना, अपनी जांच पड़ताल करना, कौन कौन से अवगुण रह गए हैं और कौन कौन से अवगुणों को मैंने अब बाहर निकालना है और किन किन गुणों को अपने भीतर ला करके मैंने पूरा पूरा इंसाफ करना, बड़ा भारी अभ्यास है। इसे बोलते हैं आत्म निरीक्षण या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। जरूर देखना चाहिए। इनको अपने अफलातून ने यहां तक कह डाला, क्या अफलातून ने कहा है? बड़े अच्छे फिलासफर हुए हैं विदेश में, बड़े अच्छे फिलासफर हुए हैं अफलातून, जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्लाटो, कहता है ए लाइफ विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नो लाइफ एट ऑल। अरे अरे क्या कमाल रे अफलातून, क्या कर गया तू? कहता है जिस जीवन में आत्म निरीक्षण नहीं वो भी जीवन किसी काम का है, अर्थात वो बिल्कुल निरर्थक जीवन है, किसी काम का जीवन नहीं है। जिस जीवन में क्या है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं है। फिर सुनिए, ए लाइफ विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नो लाइफ एट ऑल। जिस जीवन में इंट्रोस्पेक्शन यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं, अर्थात जिसमें आत्मनिरीक्षण नहीं है, अपने आप को टोला नहीं जाता, वो जीवन किसी काम का नहीं, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार। आहा हयात उसकी दुनिया में बेकार है, उसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार। गुड फॉर नथिंग, यू से गुड बट आई मस्ट स्पीक इट इज फॉर नथिंग, मतलब ही कुछ नहीं ऐसे जीवन का। इसलिए इसका अभ्यास बड़ा जरूरी है, निरीक्षण करना, अपने आप को टटोलना कि वेयर आई स्टैंड, पहले मेरी अवस्था क्या थी, अब सत्संग में आ रहा हूँ, भगवान का प्यारा बन रहा हूँ, भजन सिमरन करता हूँ, अब मेरे में कितनी तब्दीली आई है,
अब कितने अवगुण मेरे निकल गए हैं और बकाया कितनी है जिनको मैंने भगवान के नाम पर निकाल देना है और भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य बनना है, अवश्य बनना है। अभ्यास कमाल का एक क्या पत्थर को भी हीरा बना देता है, एक मामूली इंसान को भी क्या गैर मामूली बना देता है, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। गोसाई जी के अगर हम पहली अवस्था पढ़ें तो कितने विलासी थे और कितने उनमें अवगुण थे। पत्नी ने चोट मारी कि इतने इस गंदे शरीर से प्यार करते हो, अगर इतना तुम प्यार भगवान से करते तो क्या प्यारी बन जाते। होती जे श्री राम में होत न तब भाव भीती, आज भी उनके दिव्य शब्द गूंज रही हैं, प्रेरणात्मक एवं दिव्य शब्द अब भी गूंजते हैं उनकी पत्नी रत्नावली के। होती जे श्री राम में होत न तब भाव भीती, जितना प्यार और मोह आप मेरे शरीर के साथ करती हैं, इतना अगर भगवान राम के साथ किया होता तो मेरे पति देव आपका बीड़ा कब का पार हो गया होता। बस ये शब्द थे कि महामंत्र की तरह काम कर गया और भोगी तुलसीदास योगी तुलसीदास बन गए। इसलिए तो कहा जाता है एक घड़ी आधी की पुनियाद तुलसी संगत साध की कोट कटे अपराध। पता नहीं सत्संग में कौन सी बात कौन सा विचार हमारी कायाकल्प कर देगा। स्वाभ्यास विद्रोह क्या क्या नहीं हुआ, मैं बड़ा दूर दूर जा रहा हूं, अपने आप को देख लो। पहले आप क्या थे, नित प्रति सत्संग में आने से अब आपकी आंतरिक और बाह्य अवस्था कितनी अच्छी बनती जा रही है, कितनी अच्छी। आपका वो वातावरण, आपके जज्बात, आपके ख्यालात, आपकी आदात, कितना भारी अंतर आ रहा है। भले ही अंबाला वही है, गलियां वही है, महल्ले वही है, आपका मकान अंबाला में ही है, लेकिन आप वो नहीं रहे। ना आपके इरादे वो रही है, ना आपके विचार वो रही है, ना आपके कुकर्म वो रही है, ना आपकी परिस्थितियां वो रही है। कितनी तब्दीली आ गई, कितनी भारी तब्दीली। लोग मुंह में उंगलियां डाल के हैरान होती है कि इनको क्या हो गया। इसलिए कहा जाता है आदमी आदमी में अंतर। अगर कोई अच्छा अभ्यास कर गया तो क्या बन गया, कोई हीरा से कोई कंकर, हीरे से कंकर से हीरे, हाँ हाँ कंकर से हीरे। जब अच्छा अभ्यास किया जाए कंकर से शंकर, हमारे भारत में मशहूर है कि अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो कंकर से शंकर बन जाता, बड़े चोटी की अवस्था बन जाती है। हाँ हाँ जो जीरो होता है भगवान के अभ्यास से वो हीरो बन जाता, जीरो से हीरो जो बिल्कुल ही कक के थे भगवान के अभ्यास करते वो लख के बन गए। करोड़ों व्यक्ति आज उन्हें याद करते हैं, ओ भगवान के अभ्यास से ना भगवान की ओर बढ़ जाने से आज कितने ही हमारे जीवन में गौरव बने हुए हैं, मेरे और आपके लिए उत्साह और प्रेरणा का एक विशेष स्रोत बने हुए हैं। उनसे हम कितनी प्रेरणा पाते हैं, उन महापुरुष अगर उन्होंने भगवान का अभ्यास न किया होता आज उन्हें कौन याद करता। जैसे हजारों को हम भूल गए हैं, उनको ही भूल जाती है, लेकिन कौन भुला सकेगा मीरा को, कौन भुला सके तुलसीदास जी को। क्या भारत में रहने वाले श्रद्धालु कभी भुला सकते हैं सुखदास को, बिलवा मंगल को, कभी भुला सकेंगे सुखो बाई को और करवैती बाई को, कभी कोई भूल पाएगा मैत्रेयी को और कात्यायनी को, कभी को भारत भुला पाएगा विवेकानंद और गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ महाराज जी को, कौन भुला पाएगा इनके, इनके चोटी के दिव्य कर्म, इनकी चोटी की दिव्य भक्ति। ये कैसी हो गए, अभ्यास की बदौलत। लगातार अभ्यास करते रहे, लगातार भगवान के जाप में ध्यान में अपने आज जुटाते रहे, सब में जुटाते रहे, हीरे के तुल्य हो गए। इसी तरह मेरी माता बच्चियों बुजुर्गों और मेरे भाइयों भगवान जी कह रहे हैं अगर तुम लगातार अभ्यास करते रहोगे हाँ तुम्हारा बिगड़ा तिगड़ा हुआ मन भी बहुत अच्छा बन जाएगा। विश्वास लाइए, पूरा यकीन लाइए, आजमाए बैठा हूं, भगवान करे आप भी बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आजमाए भगवान के इस अनमोल एवं अत्यंत कल्याणकारी फरमान को। कीजिए अभ्यास जो मैंने कहा, प्रातः काल उठ के भगवान के जाप का अभ्यास, फिर सत्संग में आने का अभ्यास, लगातार 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 श्री गीता जी को सोच समझ के पढ़ने का अभ्यास, स्वाध्याय का अभ्यास और महा महाराज जी के महामंत्र के उच्चारण का अभ्यास, निरीक्षण का अभ्यास, अपने आप को देखना टटोलना अपने आप को, ये सारे अभ्यास में ही आते हैं, अभ्यास में ही गिने जाते हैं। इनको हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक एक लंबे समय तक बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोशो खरोश के साथ, बड़ा एक उत्सुकता पूर्वक करेंगे, बस फिर तो हमारा मन जो पहले काग था हाँ अब वो क्या हो जाएगा, हंस के समान हो जाएगा। पहले काग की तरह गंदे गंदे विचारों में और इरादों में और कर्मों में हमारा मन रहता था, और अब हंस की तरह ये भगवान के नाम में जाप में मोती चुगा चुग रहा है, प्रत्यक्ष रूप में देख रही है, देख लो
आपको देखकर मेरे रोम रोम से दुआएं निकलती हैं। सचमुच आप लोगों ने हथेली पे सरसों जमा दी है, क्या थे और अब क्या बन गए हो। अगर भगवान और सत्संग बख्शते जाएंगे तो कुछ दिनों के बाद आप क्यों नहीं भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य बन जाएं, क्यों नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है, जरूर बन जाएंगे। बस भगवान हमसे अभ्यास कराता जाए। उनके चरणों में मेरी और आपकी हार्दिक प्रार्थना है कि प्रभु ये शुभ एवं अत्यंत कल्याणकारी अभ्यास हमसे करवाते जाएं, हमसे करवाते जाएं, और हम कभी भी ना उबे, बड़े उत्साह के साथ करते जाएं। तो हजूर कहते हैं इस अभ्यास में दैवी शक्ति आ जाती है और जीव क्या से क्या बन जाता है, क्या से क्या बन जाता है, क्या 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 क्या, क्या, क्या पत्थर से हीरा बन जाता है। एक जो बुद्धू था बिल्कुल बुद्धू, वो बड़ा बुद्धिमान बन जाता है, बुद्धू से बुद्धिमान, बुद्धि से बुद्धिमान। आहा, जो पहले बुद्धू था अब बुद्धिमान बन जाता है, जो पहले दुराचारी था अब शुभ और पवित्र अभ्यास से सदाचारी बन जाता है। सरकार जो पहले गुनाहगार था अब चोटी का परस्तार बन जाता है। इसलिए तो मेरे भगवान ने कहा है जिसने अभ्यास का पक्का इरादा कर लिया है कि वो मेरे नाम का जाप का सत्संग का अभ्यास करेगा, हाँ उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्ष हुए जो, वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सकूं दाल भी पाएगा। जाहो जाहो प्रभु के भक्तों की जय हो, भगवान के भक्तों की जय हो। कोई जन्म से भगत जो पैदा हुए वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, जो जन्म से भगत थे यही आकर के पहले उन्होंने बहुत ही गंदे कर्म किए, पश्चाताप हुआ, चोट लगी और चोट लगने के बाद वो अभ्यास करने लगे, बाद में वो चोटी के भक्त बन गए, चोटी के ब्रह्म ज्ञानी बन गए। यहाँ कितने दृष्टांत मैंने आपको दिए और कितने शास्त्रों में भरे पड़े हैं, कोई जन्म से थोड़े थे वो, बाद में अभ्यास करते करते क्या कितने ध्रुव तारे कितने चमक उठे। ध्रुव को ले लो, पहले एक मामूली से राजा का एक मामूली सा पुत्र था, तो भगवान के अभ्यास करने के कारण से इतने चोटी के भक्त बन के आज ध्रुव तारे का नाम लेकर के हमारी वाणी को और हमारे कानों को भी पवित्र कर रही है, आपकी आंखों के सामने है। प्रहलाद क्या था, एक राक्षस का पुत्र, लेकिन भगवान की जाप और भगवान के सिमरन के अभ्यास से प्रहलाद हमारे मनों पर राज करता है। प्रहलाद आज हमारे हिंदुस्तान को चार चांद लगाने में नंबर एक है। प्रहलाद नाम लेने से भी हम सिर झुका देते हैं और बड़े आदर मान से उसका नाम लेते हैं, बल्कि अपने आप को धन्य समझते हैं प्रहलाद का नाम लेने से। शुक्र है प्रहलाद का नाम मेरे कानों में आया, प्रहलाद का नाम मेरी जबान पे आया, प्रहलाद का नाम मेरे होठों पे क्या नाच करने लगा। प्रहलाद अभ्यास की बदौलत ही ना ऐसा जानकर हम भी जुट जाएं, यही मेरे कह रहे हैं मेरे भगवान। है मश्क में ये कमाल के काबू में आ जाए मन, काबू में आ जाए कुंती के लाल, अजमा के देख लो। अच्छा जी, जब आप ऐसा लगातार अभ्यास करेंगे, ऐसे लगातार जुटेंगे, हाँ तो अभ्यास में से अभ्यास का पुत्र पैदा हो जाएगा। ये भगवान का नियम है, चांदिक जीवों को छोड़कर सब कुछ न कुछ पैदा करने पे लगे हुए हैं, चाहे जड़ चीजें हैं चाहे चेतन है। जब ऐसा अभ्यास किया जाता है लगातार लगातार लगातार, तो इसमें एक चीज पैदा हो जाएगी जिसको मैं अभ्यास का पुत्र कहता हूं, और ऐसे अभ्यास को मैं विवेक बोलता हूं। विवेक का मतलब क्या होता है, नित्य अनित्य की लगातार पहचान करना। विवेक का अर्थ है बेटे नित्य अनित्य की लगातार पहचान करना, आरजी क्या है इस संसार में और मुश्किल क्या है इसकी पहचान करना, क्या टेम्परेरी संसार में चीजें क्या है और परमानेंट क्या है इसमें डिस्टिंग्विश करना। To distinguish between everlasting and temporary, to distinguish between momentary and perennial eternal, इनमें distinguish करना, इसको बोलती है विवेक। बड़ा उच्च कोटि का गुण है, बहुत भारी गुण है ये। इसके ऊपर बहुत बड़ा शास्त्र लिखा है हमारे प्रातः स्मरणीय आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, जिसको बोलते हैं विवेक चूड़ामणि। कभी समय निकाल कर पढ़ो, बहुत चोटी का शास्त्र है विवेक क्या होता है, और विवेक का अभ्यास करते करते रहने से किस तरह जीव अपने आत्मा का अनुभव करने में सुचारू रूप से सफल मनोरथ हो जाता। विवेक, जब शब्द विवेक आए तो समझिए क्या पहचान, हीरे और पत्थर में पहचान, उचित और अनुचित में पहचान, वाजिब और गैर वाजिब में पहचान, नित्य और अनित्य में पहचान, कार्य और अकार्य में पहचान, बंध और मोक्ष में पहचान, शैतान और देवता में पहचान। इन दोनों में पहचान करना, शैतान कौन होते हैं देवता कौन होते हैं, इन दोनों में हीरा क्या और पत्थर क्या है, इन दोनों में पहचान कर चुके भगवान ने बड़ी चलाकी और उस्तादी से जड़ और चेतन को आपस में मिलाकर रख दिया है।
और विवेक बताता है कि ये चेतन तेरे काम का है और जड़ को छोड़ दे, जड़ तेरे काम का नहीं है, ये नित्य रहने वाली जात जो भगवान की है, इसका स्मरण कर, इसका चिंतन कर, ये विवेक बताता है, ये विवेक का गुण हमें बताता है। जब ये बुद्धि में आ जाता है तो इसी को महाराज जी क्या कह रहे, अभ्यास के नाम से कह रहे हैं। अभ्यास का दूसरा अर्थ होगा विवेक। तो जब बार बार विवेक करेंगे और हमें भगवान जी अच्छे लगेंगे, भगवान का नाम अच्छा लगेगा, तो भगवान का नाम अच्छा लगेगा, भगवान के लिए अभ्यास करेंगे, ये विवेक ने बताया ना, विवेक रूपी रहबर ने बताया कि जहान में ये चीजें मिली हुई हैं, तो इसको छोड़ ये ले ले, तो अनित्य को छोड़ नित्य ले ले, तो अनुचित को छोड़ उचित ले ले, तो गैर वाजिब को छोड़ वाजिब ले ले, शाबा तू निषिद्ध को छोड़ और जो महापुरुषों ने करने के लिए विधि पूर्वक विधि बताई है वो ले ले, वो तो छे, इसको विवेक कहती है ना। इसी के गुण के ना होने से जनता बहुत दुखी हो रही है। आज नर नारी जो बड़े जलील खराब बर्बाद हो रही है, इनकी बुद्धि में विवेक नहीं है। साई जी ने अपनी रामायण को बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक जब पूरा लिख लिया तो आखिर में अपने इष्ट देव भगवान रामचंद्र जी की चीर चरणों में प्रार्थना करते हुए एक सिद्धांत डिक्लेयर कर देते हैं। क्या सारी रामायण लिखने के बाद ये सिद्धांत बना दिया, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विप्र निदाना। अर्थात जहां की जहां में भरत की तरह सुमति होगी, लक्ष्मण की तरह सुमति होगी, राम जी की तरह सुमति होगी, हाँ वह सब प्रकार के चीजें पदार्थ वैभव ऐश्वर्य इज्जत और सेहत धक्के खाती रहेंगी, और जहां कुमति होगी रावण की तरह, रावण के अगलग्गे और पिछलग्गों की तरह, जिनकी बुद्धि कुमति होगी, हाँ सब कुछ होता भी उनके पास नाश हो जाएगा। कु मैंने गंदी, मति मैंने बुद्धि, जिनकी गंदी बुद्धि होगी अर्थात जो काम क्रोध मोह लोभ में शब्दों मत दिखलाते हैं उनकी गंदी बुद्धि, और जिनकी राम भरत लक्ष्मण की तरह चंगी बुद्धि अच्छी बुद्धि सुमति, सुमने अच्छी मति मैंने बुद्धि अच्छी मति होगी, गुणों में दिल दिखाती है, सेवा में मन लगाती है, प्रभु की ओर जुट जाती है लग जाती है, उनको सुमति बोलती है। जहां सुमति है वहां सब कुछ होगा, जहां कुमति है वहां सब कुछ होते हुए भी नाश हो जाएगा, बट्ठा ही बैठ जाएगा उनका, उनका बट्टा बैठ जाएगा। वो अगर अर्श पे भी होंगे तो धड़ाम से फर्श पे आर पड़ेंगे, और जो सुमति ले रहा होगा वो अगर गिरा भी पड़ा है फर्श पर तो अर्श पे चढ़ जाएगा। सुमति और कुमति के कारण से आज भी हम देखती हैं जिनकी सुमति है वो बहुत तरक्की कर गई है, और जिनकी कुमति है वो तरक्की किए वो भी त्रुटियां कर गए हैं। आहा वो भगवान कर के रहा है, किसी ने किसी से पूछा अरे भगवान क्या करती है, बस एक ही काम करते हैं भगवान, ना दो ना चार ना पांच ना पांच छह, भगवान एक ही काम करते हैं, इंसान के कर्मों को देखते रहते हैं, और कर्मों के अनुसार तू शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, तू शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, इशारा है तेरा काफी, घटाने और बढ़ाने भगवान यही करते रहते हैं। और भगवान को तकरियां मिलती है, और कोई भगवान तुम्हारे तरह रोटियां और परौंठे पकाती है, और कोई तुम्हारे तरह जो है भगवान को दुकानदारी चलाते हैं, आज नहीं, भगवान तो धर्म का कंडा है, बुरे और भले इंसानों के कर्मों को तोलते रहते, भले इंसान का परड़ा भारी हो जाता है और बुरे इंसान का परड़ा हल्का हो जाता, और हल्के इंसान धक्के खाते रहते हैं और भारी इंसान भगवान के चरणों में प्यार पाती है, भक्ति पाती है, मुक्ति पाते हैं। बहुत सुंदर, यही तो भगवान करते रहते हैं। ये ऐसे कैसे हो गया, सुमति के कारण से, ये अच्छी बुद्धि के कारण से, इसी को भगवान कह रहे हैं विवेक। और इस विवेक का जब बार बार अभ्यास किया जाता है, बिगड़ा तिगड़ा गया बीता मन भी बड़ी चोटी का मन बन जाता है। अजमा के देख रहे हो और अजमा के देखना, इस विवेक से क्या पैदा होता है, ध्यान से सुन लो। ये विवेक जब हम लगातार करते रहेंगे, बिना उबे हुए मन से करते रहेंगे, इस विवेक से क्या पैदा होगा, डरना नहीं। विवेक किस पुत्र को जन्म देगा, पुत्री को जन्म नहीं देता, माफ करना मुझे, विवेक तो पुत्र को जन्म देता है, पुत्री को कोई नहीं चाहता। आप तो यूं ही टपक पड़ती हैं, बुरा ना मनाना मैं क्या करूं, अब चाहे कर चाहे अब क्या कहा जाए, निकल गई है जबान से बात, आप मेरे से बाइकाट तो कर लोगी, कर लो फिर कोई भी, मेरी मर्जी आपके, पर मुंह आई बात न रहती, लड़की कोई नहीं चाहता, लड़कियां ऐसे ही पैदा हो जाती है धरती फोड़कर, या आकाश से गिर जाती हैं, या हमारे घर में कोई सोए सोए गिरा जाता है आंगन में, तो क्या। इसलिए विवेक भी लड़का पैदा करता है, बड़ी कदर होती है लड़के की, क्या विवेक से वैराग पैदा होता, विवेक से बाबा क्या होता पैदा, वैराग।
जब विवेक ने बताया कि ये नित्य भगवान है और ये अनित्य उनका जहान है, नित्य के लिए अभ्यास कर, तो जब इस प्रकार का अभ्यास करते रहेंगे तो जहान से वैराग्य हो जाएगा। बाबा जहान से वैराग का मतलब बुरे इरादों से, बुरे विचारों से, बुरे कर्मों से, बुरी संगत से, बुरे रिश्तेदारों से, बुरी हवाओं से, बुरी फिजाओं से हमारा मन उब जाएगा। वैराग विवेक ने कमाल कर दिया। अड़ी क्यों घबराती है और मेरे बेटे क्यों हैरान हो रहा है? विवेक विवेक ने छाननी का काम किया, विवेक ने पोने का काम किया। जैसे रसोई में हमारी छाननी पड़ी होती है, उसमें हर जो तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड पदार्थ हम छानते हैं, तो छानने का मतलब क्या होता है? जो अनवांटेड है, जो अनिच्छुक है, या जो चीजें हम नहीं चाहते वो पोने ऊपर अपने रख लेता है, और जो हमारी सेहत के लिए अच्छी है वो नीचे चला जाता है। दूध को हम पुनती हैं, उनमें जो गैया या भैंस के बाल होती हैं जो अंदर जाके खराबी मचाएंगे, वो पोने ने ऊपर रख लिए, अंदर नहीं नीचे नहीं जाने दिए। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, अंदर नहीं जाने दिए। नो एडमिशन, एडमिशन उनके लिए बंद है। प्रवेश निषेध, पोना कहता है प्रवेश निषेध, तुम्हारे लिए प्रवेश निषेध है, तुम प्रवेश नहीं कर सकते। पूना कितना अच्छा काम करता है, बड़ा सुंदर काम करता है। आप रोज ही तो चाह का कावा पुनती हैं, हाँ रोज छानती हैं। क्या होता है? जो कावा है वो तो हम ग्रहण कर लेते हैं, ग्राह्य, और जो वो काली काली फोग रह गई है जिसे आप चाह बोलती हैं, अब उसे चाह नहीं बोलना चाहिए। चाह की फोग, चाह का वेस्ट मैटर, रिफ्यूज मैटर, रिफ्यूज्ड मैटर, वेस्ट मैटर जो है वो पोने ने ऊपर रख लिया। पूना कितना गुरु का काम कर गया कि बस ये अंदर जाना चाहिए जो कल्याणकारी है, और ये जो अकल्याणकारी है, दुखदायी है, ये ऊपर। इस तरह विवेक बुद्धि के लिए पोना है, बुद्धि के लिए क्या है पोना, मैं कह रहा हूं बुद्धि के लिए कीफ का काम करता है। इसे कीफ भी आप बोलते हैं, कीफ पोना, ये जाली का काम कर गया। हाँ, कि ये इरादे नीचे जा रहे और ये इरादे नहीं, फिर ये विचार नीचे जाने चाहिए, ये विचार नहीं, और ये कर्म होने चाहिए, और ये नहीं, और ये संगत होनी चाहिए, और ये नहीं। कितना गजब का पोना है। अगर वो रसोई में बाहरी चीजों का पोना है तो विवेक हमारा अंतःकरण का पोना है, या अंतःकरण की कीफ है। अंतःकरण का पोना देख कितना सुंदर है, आहा, अंतःकरण की जाली कितनी सुंदर है, बिल्कुल पोन के रख दिया। अफसोस कि आज जनता इस विवेक की कदर नहीं करती। अगर तुम रसोई में पोना ना रखो वहां बड़ी जल्दी सारे बीमार हो जाएंगे, बहुत जल्दी, पर आजमाना नहीं, वे आजमाइश बड़ी महंगी पड़ती है। पोना हमें बात बात में चाहिए, बात बात में रसोई में चाहिए। इस तरह इंसान को पग पग पे मुझे परमात्मा की कसम विवेक चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या मुझे करना है, क्या अकरणीय है क्या अकरणीय है, क्या ग्राह्य है क्या अग्राह्य है, क्या त्याज्य है और क्या ग्राह्य है, ये बात बात में चाहिए। क्या नित्य है क्या अनित्य है, क्या परमानेंट है और क्या टेम्पोरेरी है, कौन बताएगा? ना चाचा ना मामा, ना बाप ना बेटा, ना कोई और रिश्तेदार। ये अंदर में विवेक बताता, विवेक कहता है कि ये सुखदायी है, ये दुखदायी है, ये बंधन है, ये मोक्ष है, ये विवेक ने बताना है ना। तो भगवान कहते इसका अभ्यास कर, इसी को भगवान जी अभ्यास के नाम से पुकार रहे हैं कि इसका अभ्यास कर, बार बार अभ्यास कर कि जो चीज अच्छी है मैंने उसका अभ्यास करना है। और इस संसार में सदा रहने वाली कुछ चीज है तो भगवान की सत्ता, भगवान का नाम। तो जितने कर्म भगवान के लिए होंगे वो पवित्र होंगे, और जितनी सोबत भगवान के नाम पे की जाएगी वो पवित्र होगी, और जो इसके उलट होगा वो त्याज्य है, वो छोड़ने योग है, वो ग्राह्य यानी पकड़ने योग नहीं, वो अपनाने योग नहीं, बल्कि उसको छोड़ देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। जैसे कि हम चाह का कावा बना लेने के बाद चाह की पत्तियां जो के फिजूल हो जाती है फेंक देते हैं, बिल्कुल ही हम किसी काम की चाह की पत्ती नहीं जिसमें से हमने कावा या उनका सार ले लिया, बाकी क्या है फेंक दो इसको, कोई जरूरत नहीं। शाबाश, जब दूध को हमने पुन लिया अपने पोने के अंदर, तो अब जो ऊपर ऊपर चीज आई है वो नहीं है, वो रखने योग नहीं, फेंक दो, पोने को धो के रख लो ताकि फिर कोई चीज पुन्नी होगी या साफ करनी होगी तो काम आएगी। गुड गुड गुड, यही विवेक हमारे भीतर के लिए है। बुद्धि को बताना चाहिए बार 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 कि ये मशक कर, ये जाप कर, ये भजन कर, ये संगत कर, ये इरादे कर, ये विचार कर, ये कर्म कर। जब बुद्धि के पास विवेक होगा बुद्धि बड़ी अच्छी बन जाएगी, बुद्धि बड़ी जो है बलवती बन जाएगी, बुद्धि बड़ी कुशाग्र और तीक्ष्ण और बड़ी दूरदर्शिता से काम लेने वाली बन जाएगी। हाँ, इससे फिर क्या पैदा होगा? वैराग। बुद्धि लगातार अगर विवेक से काम लिया गया और अभ्यास करते रहे, इसमें से वैराग पैदा हो जाएगा। वैराग, हाँ, विराग का डरने की बात नहीं है। जो गंदे इरादे थे, हाँ
वैराग, बिल्कुल ठीक, विवेक की बदौलत जो हमारे मन में गंदे विचार थे, अब वैराग उससे मन उब गया, उनको निकाल दिया हमने भीतर में से। जो हम गंदे गंदे कर्म करते थे अंगों से, गंदा देखना, गंदा बोलना, गंदा खाना, लज्जत से छूना, गंदी गंदी जगहों पैरों से जाना और बाकी अंगों से गंदे गंदे कर्म करना, आप विवेक की बदौलत वह सब के सब छूट गए, सब के सब हमने त्याग दिए। और भगवान का फरमान है, मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी देवी देवता का नहीं, किसी महात्मा संत या किसी ऋषि का नहीं, ये भगवान ने कहा है। तर्क समर्थ्य को फौरन सकूं त्यागा शांति अनंतरम। अगर तू ऐसे अनवांटेड को निकाल देगा उसी समय, ये नहीं कहा दो दिन, हफ्ता, दो महीने, उसी वक्त तुझे शांति मिलेगी। कभी ना भूलना, कभी ना भूलना भगवान का ये चोटी का फरमान, त्यागात शांति अनंतरम। तर्क के समर्थ हो फौरन, फौरन कहते तत्काल, एट द वेरी मोमेंट, देयर एंड देन। हमें पता नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं, सानू किस दसिया भी 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 नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना, और क्या लेना ते क्या वे छोड़ना, सानू किस, सानू किस दसिया भी नहीं, हाय सानू किस दसिया भी नहीं, सानू किस दसिया भी नहीं, एक नहीं अनेक जन्म गुजर जाते हैं। ये कोई राज की बातें बताता नहीं, ये कोई चोटी की बातें खोलता नहीं, हमें सियाना नहीं बनाता, सारे तुले पड़े गए गंदे इरादे देने के लिए, गंदे विचार देने के लिए, गंदे हमसे कर्म करवाने के लिए, गंदी सोबत देने के लिए, गंदी खुराकें खिलाती है, गंदे सिनेमे दिखाती है, गंदी टीवियां दिखाती है, शरीर की यारी दोस्तियां लगाना सिखा देती है, ये गंदे गंदे कर्म सिखाने वाले अनेक है। भला कर्म सिखाने वाला कोई होता होगा, मिलिया कोई नहीं। हमें डुबाने वाले अनेक है, आज जाने अनजाने में खून के रिश्ते है, या हमारी याराना है, यही पक्के कराते रहती है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम। इन कमबख्तों ने यही पक्का कर रखा है कि हम तो डूब ही रहे हैं, जना दे पुत्र मिट्टी छुरी से तुझे भी डुबा देंगे। डुबाई जा रहे, जिधर देखो सब डुबाने वाले, जिधर जो सहेलियां मिलती हैं सब के सब पाताल में ले जाने वाली हैं। मजाले कोई भगवान का नाम याद करवाए, मजाले कोई ऐसा दोस्त मिले, रिश्तेदार मिले, माँ मिले, बाप मिले, बहन मिले, भाई मिले, या ऐसे कोई हितैषी या हमदर्दी या खैर खा मिले जो भगवान की बातें याद कराए, जो प्रभु की ओर ले जाए, जो हमारे लोक को लोक बनाने की स्कीमें बनाए। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। इसलिए तो मन एकांत में बैठ के जब विचार करता है तो रो पड़ता है, ओ सानू की सदस्या भी नहीं, ओए उम्र कट गई सारी मेरी, ओए उम्र कट गई सारी मेरी, ओए अब काल न लाई फेरी, ओ सानू किसे, ओ सानू किसे दसिया भी नहीं, ओए ओ सानू किसे, सानू किसे दसिया भी नहीं, हाय वो सानू की सदस्या भी नहीं। जिंदगी गुजर जाती है, आखिर में पश्चाताप के गरमा गरम आंसू गिरते हैं कि हमें तो किसी ने बताया तक भी नहीं। बस जब ये भाव पैदा हुआ, जब ये पश्चाताप हुआ, इसी को वैराग कहती है। ये वैराग किसी बाजार में, गली में नहीं मिलता, मोहल्लों में नहीं मिलता, बाजार में किसी बाट में या किसी हाट में या किसी आपके दुकान पे नहीं मिलता। हाँ, जब भगवान की विशेष मेहर हो जाती है, ये विशेष मेहर का क्या 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 सबूत है कि जब वैराग आता है तो समझिए भगवान ने विशेष कृपा कर दी, भगवान की विशेष दया है कि ऐसी बुद्धि दे दी। भगवान खुद कहती है, मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग कि हो जाती हैं मुझसे वासिल वो लोग। वैराग तो भगवान की विशेष देन है, अड़ी अड़ी अड़ी, भगवान की विशेष कृपा है, भगवान का विशेष उपहार है, भगवान का विशेष प्रेजेंट है। प्रेजेंट कह रहा हूं, तोहफा कह रहा हूं, जिसमें उनकी विशेष कृपा होती है, उससे ये गंद मन छुड़ा लेते हैं सब। अजी वैराग है, बड़ा गजब का वैराग ने कमाल कर दिया। वैराग तो फिर जब आ जाए तो ये तो बन जाता है छज की तरह। कभी आपने दाने मंडी में जो है पल्लेदारों और पल्लेदारनियों को साफ करते हुए देखे होंगे, छज में डाल देती हैं दाने और उसको
भटकाती है तो क्या होता है, मेरा छन क्या करता है, जो अनवांटेड गंदी गंदी चीजें बाहर निकाल देता है और जो अच्छे दाने हैं जो पिसवाने योग्य है वो रख लेगा। बड़ा अच्छा कबीर साहब ने इसकी परिभाषा करते हुए कहा, क्या क्या, विवेक ऐसा चाहिए, वैराग ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप या छज सुभाए, क्या 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 थोथा सार सार को पकड़ ले थोथा दे उड़ाए। ये संसार की सारी चीजें थोते हैं, गंदे इरादे क्या थोते नहीं, बुरे विचार क्या थोते नहीं, क्या बुरी संगत होती नहीं, पर पता कई जन्मों के बाद लगता है तब ये वैराग आया। अनवांटेड सब गॉन, बुद्धि से मन से और तन की क्रियाओं से और बाहर की संगत से अब हम उनको नहीं प्यार करते जो भगवान के विमुख है, जो इरादे भगवान के विमुख थे, जो विचार भगवान के विमुख थे, जो कर्म भगवान से हमें दूर ले जाने वाले थे, जो संगत हमें भगवान से दूर जाने वाले थे, हम सब के सब छोड़ देते हैं। बस ये हमारे साथ वैर कमाते हैं, ये इरादे वैरी थे, ये गंदे विचार वैरी थे, ये गंदे कर्म वैरी थे, और वो रिश्तेदार यार दोस्त वैरी थे जो मुझे भगवान से विमुख कर रहे थे, जो मेरा कल्याण न करके मुझे बाबा गमन के गढ़े में गिरा रहे थे। बस 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 हम छोड़ देती है, इसी को वैराग कहती है। तो भगवान क्या कह रही है, देखा है मश्क और वैराग में ये कमाल, दिल आ जाए काबू में कुंती के लाल। एक मन का हजारों मन भी हो तो अपने अधीन हो जाएंगे, अपने में हम कंट्रोल कर लेंगे, हजारों मन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी मश्य को समझना विवेक है, विवेक और वैराग में ये कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। भगवान करे मैं और आप लगातार करते हैं ये मश्क और वैराग से काम लेते रहे, मन अधीन होकर के भगवान का प्यारा बन के अपना कल्याण कर जाएगा। कई कर गए इस मश्क और वैराग से, हम भी अवारी आइए हम भी कर जाएंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, है मश्कार वैराग में ये कमाल, ओए दिला जाए काबू में कुंती के लाल। जाओ जाओ अभ्यासेंतु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यासेंतु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ये था आज का अत्यंत कल्याणकारी आशीर्वाद। जय भगवत गीता, हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।